दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास। T20 में ठोके 55 गेंदों में 158 रन, 3 मैचों में दूसरा शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को हार्दिक पांड्या के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 1000 लाइक का, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हार्दिक पांड्या को दिल से जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सर्जरी से फिट होकर लौटने के बाद गजब की फॉर्म में हैं। वो लगातार धुरंधर पारियां खेल रहे हैं। पांड्या बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी कहर ढा रहे हैं। मुंबई में घरेलू T20 टूर्नामेंट खेल रहे हार्दिक पांड्या ने एक और तूफानी शतक जड़ा। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 158 रन बनाए। हार्दिक द्वारा बनाया गया यह स्कोर किसी भी भारतीय का T20 का व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर है। हार्दिक ने रिलायंस वन टीम की ओर से खेलते हुए BPCL टीम के खिलाफ 55 गेंदों में 6 चौके और 20 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 158 रन की नाबाद पारी खेली। पांड्या ने लगातार 3 छक्के लगाकर अपने आक्रामक अंदाज भी जाहिर कर दिया और 39 गेंदों में इस टूर्नामेंट का दूसरा शतक जड़ा। हार्दिक इस टूर्नामेंट में बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल दिखा रहे हैं। पहला मैच हार्दिक पांड्या ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ खेला था, जिसमें 25 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए थे। वहीं दूसरे मैच में उन्होंने 105 रन की पारी खेली थी। वहीं तीसरे मुकाबले में उन्होंने 46 रन की पारी खेली थी। इसके बाद मालूम हो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज शाम को टीम का ऐलान होने वाला है। नए चयनकर्ता सुनील जोशी और हरविंदर के नेतृत्व में आज टीम की घोषणा हो सकती है। इस चयन में सबसे अधिक निगाहें हार्दिक पांड्या पर जमी हैं। हार्दिक के इस प्रदर्शन के बाद टीम में उनकी वापसी तय मानी जा रही है। हार्दिक से पहले T20 में बतौर भारतीय बल्लेबाज सर्वोच्च स्कोर श्रेयस अय्यर का था। अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से खेलते हुए ग्रुप सी के मैच में सिक्किम के खिलाफ 147 रन की पारी खेली थी। यह मैच इंदौर के मैदान पर खेला गया था। हार्दिक पांड्या ने अब तक इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 86.7 की औसत से 347 रन बनाए। इसमें 2 शतक भी शामिल हैं। तीसरे मैच में उन्होंने 5 विकेट भी चटकाए। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी हार्दिक पांड्या को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या हार्दिक पांड्या की जल्द से जल्द टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए? और क्या आप भी हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हैं और हार्दिक पांड्या को पसंद करते हैं? इस सब बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।